मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। सभी को सादर प्रणाम। जी। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 762 है और आज का जो विषय है वो है गीता के सहज भाव भाग 65। आज का विषय आदरणीय श्री एसएस भदौरिया जी लेंगे जो कि कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय नेप साहब, आदरणीय सेक्रेटरी साहब, आदरणीय देवऋषि साहब शर्मा जी, कृष्ण कला शर्मा मैम, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब तक की परिचर्चा में हम लोगों ने सातवें अध्याय तक विचार विमर्श करते हुए अपनी बात समाप्त की थी। आज वस्तुतः 12वें अध्याय में मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। ज्यादातर जो गीता के मर्मज्ञ हैं वो चर्चा का आरंभ 12वें अध्याय से ही करते हैं, क्योंकि 12वें अध्याय के जो श्लोक हैं वो वस्तुतः दो तरह की भक्तियों का, निर्गुण और सगुण दोनों का विस्तार से विवेचन करते हुए इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि साधना पद्धतियों में जो साधक है वो साध्य के साथ जुड़ सके। साध्य का क्या प्रारूप है वो आपके स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वस्तुतः जो निर्गुण है वो साध्य के किसी भी तरीके के गुण होने का को नहीं मानते, अर्थात वो पूरी तरीके से किसी भी तरीके से उसको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। और जब उसे किसी भी तरह से नहीं क्वालिफाई किया जा सकता, उसकी कोई विशेषता नहीं है, तो जो साधक है वो स्वयं ही अपने अंतःकरण में उसके दर्शन प्राप्त करता है। वो अपने आप को उस परम से जुड़ा हुआ मानता है, उसका एक अभिन्न अंग मानता है। जैसे कि समग्र सृष्टि में सब कुछ को लेकर के जो ब्रह्म स्थित है उसका दृष्टा स्वयं एक पार्ट है। सगुण भक्ति में जो दृष्टा है वो अपने साध्य में कुछ खास किस्म के गुण, कुछ खास किस्म के क्वालिफिकेशंस डाल देता है। जब आप किसी चीज को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसका एक स्वरूप बन जाता है। आप अपने मन में जो भी स्वरूप लाते हैं अपनी धारणा में, वो तभी बन सकता है जब उसमें आप कुछ गुण, कुछ धर्म, कुछ विशेषताएं उस पर आरोपित करें, अधिरोपित करें। तो जब आप अपनी अपने विचार को बांधते हैं तभी आप अपने साध्य में कुछ खास रूप देख पाते हैं। आप उसे बादल के रूप में देखें, आप उसे वृक्ष के रूप में देखें, आप उसे किसी भी रूप में देखें, जब किसी भी रूप में देखेंगे तो उसमें कुछ खासियतें होंगी, कुछ क्वालिफिकेशंस होंगे, कुछ गुण होंगे, इसीलिए उसको सगुण कहा गया, गुण सहित। और जब बिना गुण का कहेंगे, निर्गुण कहेंगे, तो इसका मतलब उसे किसी भी तरीके के क्वालिफिकेशंस में आप नहीं बांध रहे। अब विचारकों ने इस तरीके की बातें कही कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तुलसीदास जी खुद ही कहते हैं कि जो निर्गुण है और जो सगुण है उसमें कोई भेद नहीं है। अर्थात जो विचारक है, जो साधक है, वो अपनी विचार की और अपनी दृष्टि की सीमाओं को ही अधिरूपित करता है अपने साध्य में, अपने इष्ट में।
हमारी जो सीमा है। इसीलिए विवेकानंद जी ने एक बार स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर मनुष्य का जो स्वरूप है खुद भी एक किसी भैंसे के आकार का होता तो उसका जो इष्ट भी है वो भी वो उसी रूप में देखता। कहने का मतलब ये, हम जो अपने ईश्वर को एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में देखते हैं, मनुष्य के रूप में देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम वैसे हैं और हम अपनी ही दृष्टि की सीमाओं को उसमें अधिरोपित करते हैं। तो मोटी मोटी बात ये हुई कि फिर अवतार क्या है, क्या परम सत्ता किसी न किसी रूप में अवतरित होती है? तो कुछ विचारकों ने कहा कि समग्र सृष्टि के हर एक कण में जब ईश्वर का अस्तित्व है तो हर एक मनुष्य में भी उस ईश्वर का अस्तित्व है, उस परम का अस्तित्व है। और जिन महापुरुषों में हमने बहुत बढ़े चढ़े गुण देखे, कहीं धीरता, वीरता, गंभीरता, आदर्श और मानवेतर क्रियाकलाप, तो हमने उनको उस ईश्वर का साक्षात अवतार मान लिया, जबकि अवतार तो सभी हैं और उसकी पूजा करने लगे। तो कुछ विचारकों ने कहा कि जब ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, हर एक भूत के अंदर में, हर एक व्यक्ति अस्तित्व के अंदर में ईश्वर का निवास है, तो हर एक व्यक्ति अगर उसको रियलाइज करके उठ जाए, अवतार का मतलब अवतरित होना, परम को नीचे आना, तो इस तरह से अवतरण न होके उन्नतरण होता है। भगवान बुद्ध हो, महावीर हो और ऐसे तमाम मानवेतर क्रियाकलाप करने वाले महापुरुष, वो स्वयं ही ईश्वर तुल्य हो गए अपने गुणों की वजह से, अपने क्रियाकलापों, आदर्शों और अपने कर्मों की वजह से। तो क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी दर्शन, कोई भी दृष्टि, वो हर एक व्यक्ति की, हर एक विचारक की भिन्न भिन्न है, इसलिए मैं कोई चीज कहूं या कोई विचारक कोई दृष्टि दे या कोई बात कहे, वो दूसरे को हूबहू वैसी लगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की दृष्टि भिन्न है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसीलिए एकः सद् विप्राः बहुधा वदन्ति की बात कही गई कि सत्य तत्व तो एक है, लेकिन जो जिस दृष्टि से देखता है उसी रूप में वो उसको बोलता है। तो इस पे कोई भी विचार एकता या एक ही मार्ग सही है, एक ही पंथ सही है, परम का स्वरूप एक जैसा होगा, ये कहना मुश्किल है। तो जो 12वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण स्वयं ही हर एक साधक और दृष्टा की दृष्टि के भिन्नता को मद्देनजर रखते हुए वो उस समय की प्रचलित जो भी दृष्टियां हैं, जो भी विचार हैं, उनको अर्जुन के सम्मुख रख देते हैं। अब अर्जुन स्वयं जहां पे फिट होगा, जिस भी दृष्टि या जिस भी विचार को अपने ज्यादा करीब और ज्यादा सही पाएगा उसको अपना लेगा। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा एवं अर्जुन प्रश्न करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परि उपास्ते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। इन दोनों में से किसको हम योग का जानने वाला जाने माने? एक जो सतत योगमयी दृष्टि रखते हुए तुम्हारी परि उपासना करते हैं पूर्ण भक्ति के साथ, या कि वो लोग जो कि अक्षर और अव्यक्त परम को ही साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो वो जो अक्षर है, जो क्षरित नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता और जो व्यक्त नहीं होता, शुरू में ही दूसरे अध्याय से ही कृष्ण ने ही ये दो डायमेंशंस बता दी थी कि पुरुष जो कि चेतना है वो अक्षर है, परिवर्तित नहीं होती, क्षरित नहीं होती और व्यक्त नहीं होती, और जो बाह्य अष्टधा प्रकृति है वो वाली डायमेंशन है, वो क्षर भी होती है और व्यक्त भी होती है। उसी पर प्रश्न अर्जुन ने किया कि उन दोनों डायमेंशंस में किस डायमेंशन को उपासने वाला, उसकी भक्ति करने वाला साधक असल में योग का ज्ञाता माना जाए। कृष्ण ने कहा मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते, अर्थात जो मुझ में अपनी दृष्टि को स्थापित करके आत्मसंयम
आवेशित करके, मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, सतत नित्य युक्त होकर के उसकी उपासना करते हैं। श्रद्धया परया उपेताहते, परम श्रद्धा से युक्त होकर वही युक्ततम है। अब कृष्ण ने कहा मुझमें, अब पूरी गीता को जब आप पढ़ेंगे तो कृष्ण हर जगह क्या नहीं कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, परम भावम अजानन्तो मम अव्यमनुत्तमम। पहले ही वो कहे थे कि मैं अव्यक्त हूं, मुझको जो व्यक्त रूप में मानते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, उनमें बुद्धि नहीं है। तो उन्होंने पहले ही, जो कि नेब साहब ने भी उस दिन इस चीज को कहा कि शुरू से ही, देव ऋषि जी के प्रश्न करने पर, कि शुरू से ही इस बात को हम लोग मानते आए हैं कि कृष्ण तो एक उस समय उपस्थित व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से परम अपनी बात व्यक्त कर रहा है। वो तो परम है, अव्यक्त है, अक्षर है, लेकिन कोई माध्यम चाहिए तो कृष्ण के माध्यम से वो वचन निकल रहे हैं, इसलिए अब वो बार बार कहते ही हैं इस चीज को, बार बार कहते हैं कि मैं 9वें अध्याय में भी इसी चीज को उन्होंने कहा था, 12वें श्लोक में, उसको भी आपके सम्मुख में पढ़ देता हूं। अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितिम, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ हैं वो मुझे मनुष्य शरीर में व्यक्त हुआ सा मानते हैं, मैं परम भाव हूं, परम भावम अजानंतो माम भूत महेश्वरम, मैं समस्त भूतों का महेश्वर हूं, इस चीज को नहीं जानते इसीलिए मुझे मनुष्य रूप में स्थापित हुआ सा मानते हैं। तो कृष्ण के माध्यम, 12वां श्लोक है 9वें अध्याय का, तो कृष्ण के माध्यम से जो आवाज निकल रही है, व्यक्त हो रही है, वो परम चेतना अपनी बात व्यक्त कर रही है। तो फिर यहां जो कृष्ण ने कहा दूसरे में, मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते, नित्य युक्त हो करके मुझ में आवेशित करके, परम श्रद्धा से युक्त हो करके जो उपासना करते हैं वही युक्ततम है। तो फिर मैं किसको माना जाए, व्यक्त हुआ जो कृष्ण वहां खड़े हैं या वो परम भाव? अब फिर से उस परम भाव में, परम भाव मजानन तो जिसको कहा, अब वो परम भाव किस तरह का है फिर से दृष्टा की दृष्टि पे निर्भर करेगा। और विभूत योग में उन्होंने हर एक महापुरुष को अपना ही अंश बताया, विश्व रूप दर्शन में संपूर्ण जितने भी महापुरुष हैं और जितने भी व्यक्त अव्यक्त हैं सबको अपना ही पार्ट बना हुआ दिखा भी दिया। तो जितना जो जिस रूप में समझ पाया, जिसको 9वें अध्याय में 15वें श्लोक में व्यक्त किया हूं, अब उस पर विचार करते चलें, क्या है भाई 15वां श्लोक? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 9वें अध्याय के 15वें में उन्होंने कह दिया था, ज्ञान कुछ लोग तो सततम कीर्तयन्त, 14वें में कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रताः, नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। सतत कीर्ति करते हैं मेरी, अब कीर्ति तो करते हुए और दृढ़ व्रत हो करके, यत्नवत हो करके, मुझे भक्ति पूर्वक नित्य युक्त नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और ज्ञान यज्ञेन तो भक्ति करते हुए, कीर्ति करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ये कहा 14वें में, और 15वें में कह दिया अन्य लोग ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजंतो माम उपासते, एकत्वेन एक मानकर, पृथक्त्वेन अलग अलग मानकर, बहुधा विश्वतो मुखम, तरह तरह से इस विश्व में अर्थात व्यक्त यूनिवर्स में अलग अलग तरह से प्रकट हुआ, विश्वतो मुखम, इस विश्व में तरह तरह से व्यक्त हुआ सा मानते हैं। कोई लोग पूरे में एक, कोई लोग
पृथक और कोई लोग बहुत तरह से, अलग अलग तरह से। तो कृष्ण खुद ही अर्जुन से इस बात को शुरू से कहते आए हैं कि हर एक व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से मुझे देखता है। और बड़ा सुंदर इसी तरीके का निरूपण जो है तुलसीदास जी करते हैं कि राम जी बैठे हुए हैं जनक की सभा में, और जो उनको जिस रूप में देख रहा है, जानकी जी की जो माँ है सुनैना, वो देख रही हैं, तो बेटे की छाया में जनक जी बेटे के रूप में, सीता जी पति के रूप में, दुश्मन उनको बड़े धनुर्धर के रूप में देख रहे हैं। बड़ा सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने इसमें लिखा है कि सबने अपने अपने तरह से उनका दर्शन किया। तो जो परम है वो किसी को निर्गुण रूप में भासता है, किसी को सगुण रूप में भासता है, सगुण रूप में अलग अलग रूप में भासता है, भासित होता है, दिखाई पड़ता है, दृष्टव्य होता है। तो जब कृष्ण ये कहते हैं कि मई आवेश मनो ये माम नित्य उक्ता उपासते, तो उसमें श्रद्धा पर्यावपेताहते, श्रद्धा जो है वो परम होनी चाहिए, भक्ति जो है वो परम होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं गारंटी दी जा सकती कि एक ही रूप में सब लोग देखें। तो उन्होंने ये कहा जो परम श्रद्धा से युक्त होकर के मुझे, मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे युक्ततम है, पर मैं कौन हूं, यही प्रश्न तो समस्या का है। तो इसको उन्होंने अलग ही रखा, ये कहा ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते, वे लोग जो मुझे अक्षर मानते हैं, अनिर्देश्य मानते हैं जिसको निर्देशित नहीं किया जा सकता, अव्यक्त मानते हैं जो व्यक्त नहीं होता, और इस तरह से उपासते हैं, सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, सर्वत्र गम मैं सब जगह व्याप्त हूं, अचिंत्यम मेरी चिंतना नहीं की जा सकती, कूटस्थ जो अनचेंजिंग है, अचल है, इमूवेबल है, और एवर स्टडी है, ध्रुव है, और संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, ऐसे लोग मुझे प्राप्त करने के लिए सर्वत्र सममय बुद्धि से युक्त होकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके संयम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत हित सभी जितने अस्तित्व में यहाँ के चरचर प्राणी हैं उनके हित में रत लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो निर्गुण निराकार निर्विकार अचिंत्य अनिर्देश अव्यक्त अक्षर ऐसे परम को मानते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे ही प्राप्त करते हैं, अर्थात निर्गुण। और उन्होंने कहा लेकिन इसमें समस्या क्या आती है, क्लेशो ही अधिकतर तेषाम, लेकिन उन व्यक्तियों को एक तरीके का क्लेश होता है। क्या क्लेश होता है, क्लेशो ही अधिकतर तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिः वापिते, जो देहमयी प्राणी हैं उनकी जो दृष्टि है वो निर्विकार अक्षर अव्यक्त में टिक नहीं पाती, क्योंकि आपके सामने जब कोई स्वरूप ही नहीं है तो आप कहाँ टिकाएंगे। और सूरदास जी बार बार जो है, देखिए हमारा पूरा जो भारतीय चिंतन परंपरा है वो इसी सबसे बड़े इसी विवाद में, और दार्शनिकों का सबसे बड़ा विवाद ही यही है, इसी विवाद में उलझा रहा कि कौन बड़ा, कौन श्रेष्ठ, निर्गुण की सगुण, कि राम जी आए वो ईश्वर के स्वरूप थे कि नहीं, तो रामचरितमानस का पूरा बालकांड का बड़ा भाग इसी समस्या का निवारण करता है। पार्वती जी परीक्षा लेने जाती है मोहित होकर के कि कैसे परम चेतना जो है वो व्यक्ति के रूप में ऐसे अवतरित होकर के और गली गली भटकेगी, यही मोह जो है गरुण जी को होता है, यही मोह कागभूषण, तो गरुण जी जो है वो फिर कागभुसुंडी के पास प्रश्न पूछने जाते हैं, कागभुसुंडी अपनी वही समस्या बता देते हैं कि मैं भी ऐसे ही मानता था, तो जब दशरथ जी के आंगन में राम जी खेल रहे होते हैं उस समय मैं बार बार उनके नजदीक जा करके और देखता हूँ कि वो कैसे बाल लीलाएं कर रहे हैं, रोटी और मक्खन के लिए परेशान है, तो
तो मैं नजदीक जाता हूं तो उन्होंने अपना स्वरूप दिखाने के लिए अपना मुंह फैलाया और मैं उसके अंदर प्रविष्ट हो गया और देखा कि वहां एक दूसरा लोक है, वहां भी इसी तरीके का लोक है और दशरथ जी का आंगन है, वहां दूसरे राम खेल रहे हैं। फिर वहां मैं अंदर गया तो वो जो इनफाइनाइट लूप है, अर्थात जो आपको दिख रहा है ये लोक भी किसी और दूसरे लोक का पार्ट है और इसके अंदर भी दूसरा एक लोक है, उसको तरह तरह के मेटाफर के माध्यम से, जैसे उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्रह्मा ने इंद्र का जो भ्रम है वो तोड़ा, उन्होंने कहा कि पुरंदर तुमको भ्रम है कि तुम देवताओं के राजा हो, ये जो विष्णु हैं इनके नाभि से कमल निकलता है, एक ब्रह्मा बनता है और ऐसे ही तीनों लोक बनते हैं और उसमें इंद्र बनता है, फिर वो इंद्र जो है वो देवताओं का राजा बनता है और फिर पुरंदर बनता है और फिर वो समेटते हैं रात्रि में तो सब चला जाता है, फिर निकलता है। तो इस तरह से एक मेटाफर के माध्यम से वहां व्यक्त किया था। तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी और राम जी की बाल लीला के माध्यम से ये बताते हैं कि उनके मुंह में प्रविष्ट हुए काकभुसुंडी और वहां बहुत लोग देखे, फिर वहां प्रविष्ट हुए फिर बहुत लोग देखे। तो ऐसे उन्होंने उसी लूप को दूसरे मेटाफर के माध्यम से व्यक्त किया, उसी को कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन में गीता में जो है वो अर्जुन को दिखलाया। जब गरुण को भ्रम हुआ कि ये तो विष्णु तो मेरी पीठ में बैठ करके सब जगह जा रहे हैं तो मैं ही इन्हें ले जा रहा हूं, तो ऐसे सब जगह व्याप्त हो सकते हैं, तो अपना समस्या दूर करने के लिए काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं। जब उमा को भ्रम पैदा होता है तो राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके जब जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहां जब गई और उन्होंने देखा और राम जी ने उनको प्रणाम कर लिया, तब उनको बोध हुआ कि ये तो सर्वज्ञाता है और मैं सीता रूप में यद्यपि बन गई लेकिन मुझे सीता नहीं माना, ऐसे तो विलाप करते हुए प्रतीत हो रहे थे, अर्थात सर्वज्ञाता तो है ही, तभी तो वो जान पाए मुझे। फिर वो जब आती हैं तो तब भगवान शिव बोले कि नहीं, अब तो आपने मानसिक रूप से सीता का रूप धारण कर लिया, वास्तव में तो मैं मानसिक रूप से आपके साथ पति रूप में कैसे हो पाऊंगा। तो फिर वो योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान शिव, और उमा जो है वो बहुत दिनों तक प्रयास करती हैं लेकिन शिव तो उठते ही नहीं समाधि से, तो फिर वो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाके भस्म होके दूसरा जीवन उनको मिलता है। तो तमाम तरह की हमारी जो कथाएं हैं उनके माध्यम से सगुण और निर्गुण के स्वरूप को एक ही व्यक्ति बताने की और व्यक्त करने की कोशिश की गई है, और सूरदास जी भी जो है वो बताने की कोशिश करते हैं, और जो आज के इंटरप्रेटर हैं कि भाई जो गोपियां हैं वो जीव हैं और कृष्ण जो है ब्रह्म हैं, और जो जीव हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हैं और फिर इसलिए वो विरह रूप में आती हैं और फिर उसको प्राप्त कर लेती हैं। इस तरह से जो कृष्ण और गोपियों का आपसी प्रेम संबंध है वो भी एक तरह का मेटाफर है। कबीर दास जी ने भी जो है कभी स्त्री रूप में अपने राम को पाने की कोशिश की, दुल्हिनी गावहु मंगल चार मोरे घर आए राजा राम भरतार। सूफियों ने भी जो है रत्नसेन के माध्यम से जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे जीव भटक रहा हो और ब्रह्म जो है वो स्त्री है उसको पाना चाहता है। तो तरह तरह के जितने भी हमारे यहाँ अच्छा उपनिषदें भी जो लिखी गई उनमें बहुत सारी उपनिषदें ऐसी हैं जो सगुण भाव को पूजने लगी। शुरू की जो 11 उपनिषदें हैं वो निर्गुणमयी हैं, इसीलिए शंकराचार्य जी ने उन्हीं 11 उपनिषदों की व्याख्या की है, बाकी तमाम सारी जो है वो उपनिषदें सगुण रूप में ईश्वर को मानने लगी। तो कृष्ण ने ये कहा कि क्लेशो ही अधिकतर है तेषाम अव्यक्त असक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्धि वापते, क्योंकि उसके स्वरूप पे टिका नहीं जा सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं है जहां पे व्यक्ति अपनी दृष्टि को थमा पाए रुका पाए, इसलिए इसको पाने में बहुत दुख होता है, कठिनाई होती है, क्लेश होता है। इसीलिए ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यान तुपास्ते। तो उन्होंने कहा जो अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरे परायण हो जाते हैं और अनन्य योग से मेरी उपासना करते हैं मेरा ध्यान करते हैं,
तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उन्हें इस मृत्युमयी संसार सागर से उद्धृत कर देता हूं, उसका उद्धार कर देता हूं। अब ये मृत्युमयी जो संसार सागर है, जो भी आपको विजिबल है, जो भी आपको दिख रहा है, ये परिवर्तनशील डायमेंशन है, चेंजेबल डायमेंशन है। ये क्षरित होती है, मृत होती है, परिवर्तित होती है। इससे आप मुक्त होकर के और ऐसी डायमेंशन में आप चले जाते हैं मानसिक रूप से, जो चेंज ना होती हो, जो हमेशा स्थिर रहती हो। भवामि न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। मुझमें जो अपने चेतस को आवेशित करके लगातार मुझमें आधृत हो जाते हैं, मैं उन्हें मृत्युमय संसार से मुक्त कर देता हूं। और उन्होंने क्या कहा, इसलिए मई एव मन आधर्श, इसलिए मुझमें अपने मन को आधारित करो। मई बुद्धिम निवेश है, अपनी बुद्धि को मुझमें निवेशित करो। निव शिष्य मई एव अथ ऊर्ध्वम न संशय। तो तुम लगातार ऊर्ध्वमयी होके मुझमें ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। अब तुम अपनी चेतनामयी फैकल्टी को अगर मुझमें समाधृत नहीं कर पा रहे, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, तो तुम क्या करो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। लगातार प्रयास करके अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव। अगर बार बार अभ्यास से भी मुझे प्राप्त करने में तुम्हें कठिनाई हो रही हो, तो मेरे मत कर्म परमो भव, मुझे परम मान करके कर्म करो। मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्यसि। अगर मेरे अर्थ, मेरे लिए तुम कर्मों को करते रहोगे, तो अंत में सिद्धि प्राप्त कर जाओगे। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या आ रही है। कहीं चित्त को समाधृत करने की बात करते हैं, कहीं बुद्धि को निवेशित करने की बात करते हैं, कहीं कर्मों को मुझमें अर्पण कर देने की बात करते हैं, कहीं लगातार अभ्यासमय होकर के मुझमें कर्मों का अर्पण करके मेरे परायण होकर के करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, वहां भी जो आपकी दृष्टि जहां तक जाती है, जिस रूप में उसे स्वीकार करती है, वही निकल के आता है। कृष्ण ने अपने आप को एक फिक्स रूप में कहीं व्याख्यायित नहीं किया, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि अथ कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागा शांति अनंतरम। जो कि आपके ज्ञान में चीजें आ जाती हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, लगातार अभ्यास करके ही ज्ञान वाली स्थिति में पहुंचते हैं, तो अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है और जानने से भी श्रेष्ठ ध्यान है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते और ध्यानात कर्म फल त्यागम, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग करना। ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांति अनंतरम। जब आप कर्म फलों का त्याग कर देते हैं, तो एक अनंतर शांति, ऐसी शांति जो हरदम बनी रहने वाली है, ऐसी शांति तुरंत इमीडिएटली मिल जाती। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि आपकी चेतना की जितनी डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस में कौन सी डायमेंशन आपको अपील करती है और उसके माध्यम से आप परम से जुड़ना चाहते हैं, बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म फलों का त्याग करके अपने स्रोत में निरूपित हो जाने से, लगातार अभ्यास करते रहने से, ध्यान से, ऐसे कर्मों में संलग्न रहने से जो कि आप ईश्वरों को अर्पित कर चुके हैं। तो कर्म मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, ध्यान मार्गी हैं, क्रिया मार्गी हैं, कोई भी मार्गी, जितनी भी साधना की पद्धतियां हैं आप चुन लीजिए, परम श्रद्धा से युक्त हो करके उसको स्वरूपमय या अस्वरूपमय, निर्गुण या सगुण, जिस भी रूप में आप मानते हैं,
उसमें अगर आप स्थापित हो जाएंगे तो आप परम में स्थापित हो गए, आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। तो साधना की जितनी भी पद्धतियां हो सकती हैं वो कहीं ना कहीं उनके तार गीता में मिल जाते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी, इसीलिए प्रस्थान त्रय में गीता को प्रमुख प्रस्थान बिंदु माना जाता है, गीता को और 11 उपनिषदों को और ब्रह्म सूत्र को, क्योंकि कृष्ण ने तरह तरह की मेंटल फैकल्टीज को, जिसको जो अपील करती है उससे संबंधित बातें जोड़ करके सब कुछ इसमें रख दिया है, भर के गागर में सागर भर के। 12वें अध्याय से ही भक्ति मार्ग की जितनी शाखाएं हैं, ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, प्रेम मार्ग की, सब कुछ यहीं से निकलती है। अब वो क्या कहते हैं, तो ये तो रहे आपके, आपको किस तरीके से अपने आप को उठा करके ले जाना है परम तक। अब आपके लक्षण क्या हो जाएंगे जब आप एक बार परम श्रद्धा से युक्त हो करके आराधना में लग गए, तो आपके करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएंगे, वो 13वें से आते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो भी अस्तित्वमयी हैं उनके प्रति आपकी द्वेषमयी जो दृष्टि है, द्वेष करने वाली, वो समाप्त हो जाएगी। आप में ना तो ईर्ष्या रह जाएगी, ना आप में प्रतिस्पर्धा रह जाएगी, ना तो आपकी इच्छा अनुरूप अगर कोई चीजें संपन्न नहीं हो रही उस पे जो भी कारक हैं उनके प्रति जो आपकी द्वेष दृष्टि है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हर चीज का कारक आप अपने आप को मानेंगे, आपकी दृष्टि अच्छी तरह से अपने में स्थापित हो जाएगी, इसलिए आप अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो जाएंगे और यहीं से करुणा का जन्म होने लगेगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सभी अस्तित्वमयियों के प्रति आप द्वेषमयी नहीं हैं, सब चीज के कारक आप हैं। मैत्र, पहला चरण हो गया, द्वेष दृष्टि खत्म हुई, दूसरी चीज उससे मैत्री स्थापित हो गई अर्थात उनके प्रति प्रेम भाव जगा, और फिर करुणा। करुणा जो है मैत्री का परम भाव है। जब आप अपने परिवेश के हर एक व्यक्ति का कल्याण चाहने लगते हैं तो आप करुणामयी हो जाते हैं। मित्रता तो भी केवल चुने हुए लोगों की ओर ही बहती है प्रेम की धारा, करुणा ऐसी प्रेम की धारा है जो आपके परिवेश में उपस्थित जो भी अस्तित्व है सबकी ओर समान भाव से प्रेममयी होकर बहने लगती है। इसीलिए बुद्ध करुणा को भक्ति का, प्रेम का, उपासना का परम रूप मानते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जैसे प्रेम का, मोहब्बत का, शांति का, आनंद का समुद्र उफनने लगे और उफन उफन कर आपके परिवेश में भर जाए सब, आपका जो प्रेम है सर्वत्र, तो आप करुणामयी हो गए। तो पहला स्टेज है द्वेष्टा, दूसरा है मैत्री और तीसरा है करुणा। ये लक्षण हैं जो भक्त बन चुका होगा, जो परम के साथ एकमेक हो चुका होगा उसके ये लक्षण आपको दिखेंगे कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुण एवच। और फिर और क्या हो जाएगा, वो निर्मम हो जाएगा। निर्मम मतलब है नहीं कि निर्दयी हो गया, निर्मम मतलब ममत्व तो भाव से, माइंडनेस से रहित हो गया। माइंडनेस एक इसर्सन है आपके ईगो का कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य है, जो भी चीजों पर हो सके मेरा अधिकार ही स्थापित हो जाए। तो आपके अधिकार भाव की समाप्ति, माइंडनेस की समाप्ति, मैं और तुम के भेद की समाप्ति, वो निर्ममत्व से है। और निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, अहंकार मतलब आपका ही, आपके आपके विचार की, आपके अस्तित्व की प्राइमेसी नहीं स्थापित करना, समता स्थापित करनी है, वो है निरहंग अवस्था। निरहंग अवस्था मतलब आपकी प्राइमेसी न रह जाए, एक समत्व भाव में आप अपने प्रति भी वही समत्व भाव ले आए जो परिवेश के प्रति है, वो निरहंग अवस्था हो गई। तो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, दुख पड़े या सुख पड़े उसमें आप सममयी रहते हैं और इसीलिए आपके अंदर क्षमा भाव आ जाता है। दूसरे आदमी अगर गलती भी करते हैं तो उसमें आपके अंदर क्षमा भाव आ जाता है कि गलती उससे हो सकती है, और इसी का परम रूप ईसा, गांधी, गौतम और इन सब लोगों में देखा जाता है कि क्षमा का वो अंतिम स्टेज जिसमें आदमी दुश्मन को भी क्षमा करने लगे वो जागृत होके दिखाई पड़ता है, जिसकी लोग आलोचना करने लगते हैं कि वो तो किसी न किसी भी तरह से जो है अपने प्रति समत्वता नहीं है। जब आपको दूसरा मार रहा हो और आप दूसरा
गाल उसकी तरफ कर देगी और मार खाते जाए। अपने को तो बचाना ही पड़ेगा, प्रतिरक्षण और परिरक्षण और अपनी रक्षा करना भी तो आपका कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं एक भक्ति में स्थापित हुए व्यक्ति के, वो ये हैं कि वो अद्वेष्टि स्थिति, मैत्र और करुणा की स्थिति के साथ साथ निर्ममत्व की स्थिति, निरहंकार की स्थिति और समदुखमयता की स्थिति के साथ क्षमा भाव की पराकाष्ठा तक जाके स्थापित हो जाती है। और वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? संतुष्ट सततम, सतत संतुष्ट रहता है, क्योंकि सही जो भी उसके अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले उसे उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो, परम में ही उसकी बुद्धि अर्पित होती है, मन उसका परम में ही होता है। मयि अर्पित मन बुद्धिर्यो मद भक्त है समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और यस्मात न उद्विजते लोको लोकात न उद्विजते चय, उसके द्वारा लोक उद्विग्न नहीं होता, वो कोई ऐसे क्रियाकलाप नहीं करता जिससे उसका परिवेश उद्विग्न हो या परिवेश के क्रियाकलापों से वो उद्विग्न नहीं होता। अंतःकरण से हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, किसी भी तरह के चीजों को पाने से अनुकूल हर्षित हो जाना या प्रतिकूल होने से अमर्षमयी हो जाना या भययुक्त हो जाना भविष्य के लिए या उद्विग्न हो जाना, इन सबसे मुक्त हो जाता है। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो, यह सच में प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। और अनपेक्षा अपेक्षाएं उसमें नहीं रह जाती, शुचि पवित्र हो जाता है, दक्ष रहता है अपनी क्षमताओं में, उदासीन गतव्य था व्यथा से ऊपर उड़ जाता है, सर्व आरंभ परित्यागी मद भक्त समय प्रिय, सभी तरीके के क्रियाकलापों से ऊपर उठ चुका होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, वो न तो बहुत ज्यादा हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न बहुत सोच में पड़ता है, न बहुत आकांक्षा करता है, शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाता है, ऐसा भक्तिमय व्यक्ति मुझे प्रिय है। समः शत्रु च मित्रौ च, ऐसी सममय स्थिति में आ जाता है कि मित्र और मित्र के प्रति उसकी दृष्टि सममयी हो जाती है, मानापमान से ऊपर उठ चुका होता है, शीत उष्ण अर्थात शरीर में जो भी चीजें अनुभव गम्य है उनसे ऊपर उठ चुका है, सुख दुख में सम है और आसक्ति से विवर्जित है, शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति में सममयी है, मानसिक रूप से साइलेंट है, संतुष्ट है, येन केनचित, किसी भी तरह से कोई भी विपत्तिमय परिस्थिति आए उसमें संतुष्ट है, अनिकेत, किसी भी अटैचमेंट से घर के प्रति छोड़ चुका है, वो स्थिर मति हो चुका है, ऐसा भक्तिमय व्यक्ति मुझे प्रिय है। अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय होना, ये तो धर्मामृतम विदम यथा उक्तम परि उपास्ते, ऐसे अमृतमयी धर्म से जैसा मैंने कहा वो मेरी परि उपासना करता है, श्रद्धा ना मत परमा, मेरे प्रति परम श्रद्धा से युक्त हो करके भक्ताह ते अतीव मे प्रिया, ऐसे व्यक्ति मुझे अतीव प्रिय है। तो बाद में हम देखेंगे कि कृष्ण ने पहले शुरू में निर्गुण और सगुण के दो मोटे प्रारूपों के द्वारा साध्य की परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए कि साध्य अलग अलग हो सकते हैं, भक्तों को किस तरीके की भक्ति रखनी चाहिए इस पे प्रकाश डालते हैं। बाद में धीरे धीरे कृष्ण भक्तों के लक्षण क्या हो सकते हैं इसमें आकर के केंद्रित हो जाते हैं। अब देखिएगा, बाहर से विस्तार से फैल करके सिकुड़ते हुए कहाँ केंद्रित होते जा रहे हैं? भक्त के अंतःकरण पर, भक्त के मानस पर। तो क्या होता क्या जा रहा है?
कृष्ण बहुत समझदारी से आपकी दृष्टि जो दूर फैली हुई थी उस दूरी में किसी भी तरह से अलग अलग हो सकती है, उस बिखराव को, उस बिलगांव को, उस अलगाव को मद्देनजर रखते हुए वहां से शुरू करते हैं और सिमट करके लक्षणों में आकर के आपके अंतःकरण में जो विचार की साम्यता और एक निष्ठता है वहां तक आकर के फोकस हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्त का अंतःकरण इस तरह का होना चाहिए, वहां एक निष्ठता है। आप निर्गुण को पूजें, सगुण को पूजें, वो दृष्टि आपकी अलग हो सकती है, लेकिन आपके लक्षण ऐसे हो गए होंगे कि आप सममय होंगे, हो गए होंगे, आपकी दृष्टि करुणा से भर गई होगी, आप में बाहर के कारकों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रह जाएगी क्योंकि आपकी दृष्टि सममय हो गई है, आप अपने से प्रकाश विकीर्ण करने लगे हैं, तो बाहर के जो सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा सम कांचना हो गया है, बाहर की चीजें आपको प्रभावित ही नहीं कर रही क्योंकि आप अंतःकरण से प्रकाशित हो रहे हैं। तो 12वें अध्याय की विश्वरूप दर्शन की महिमा यह है कि अर्जुन की दृष्टि को विस्तारित करता है और समग्र परिवेश के साथ उसके अंतःकरण को जोड़ देता है। अब 12वें अध्याय की खासियत यह है कि बहिर्मुखी दृष्टि को सिकोड़ करके उसके अंतःकरण तक ले आता है और व्यक्ति के लक्षणों में फोकस करने लगता है जो एक जैसे होंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो भक्त है उसे कैसा होना चाहिए, जब आप ये जान गए तो आपको एक कसौटी मिल गई। अब आप देखिए कि आप वैसे हैं कि नहीं, क्या आप वैसे बन पाए हैं कि नहीं। आप जैसे भी ईश्वर को प्रेम करते हो उससे उनका मतलब नहीं है कृष्ण का, आप जब प्रेम करेंगे तो आप ऐसे बन जाएंगे इससे उनका मतलब है। ये खासियत है गीता की। गीता जो है आपको बाहर से बाहर की ओर जो दृष्टि गई थी और जो फैली थी उसकी परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए कि वो परिवर्तनमयी हो सकती है, आपके आंतरिक एकत्व को और वहीं पे ईश्वर जो है स्थापित है, वहीं पे चेतना स्थापित है, उसको स्थापित करती है। ताकि अब आप देखेंगे कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी विचार का व्यक्ति हो, किसी भी वैल्यू सिस्टम का व्यक्ति हो, वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि ये जो यूनिवर्सल मूल्य हैं, मैत्री का, करुणा का, प्रेम का, समदृष्टि का, बाहर की चीजों से अप्रभावित रहने का, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो देती है, इसलिए भक्ति योग से लोग आरंभ कराते हैं। और जो तमाम तरह के जितने भी मार्ग हुए हैं उन्होंने सबने गीता की कसौटी में अपने मार्ग के मूल्यों को कसा है। और ये शंकराचार्य जी से आरंभ होती है, शायद शंकराचार्य जी ने 7वीं सदी में गीता की प्रथम टीका लिखी होगी, उसके पहले गीता की तरह तरह की व्याख्या की परंपराएं रही होंगी, उनको शंकराचार्य जी खंडित भी करते हैं और अपनी ज्ञानमयी व्याख्या को निरूपित करते हैं जो संस्कृत में लिखी है उन्होंने टीका। और फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी उसको उठाते हैं और फिर शंकर की दृष्टि में कमियां खोजते हैं, फिर जो है मध्वाचार्य जी उठाते हैं वो शंकर और रामानुज के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की, फिर नीलकंठ शास्त्री आए, फिर वल्लभाचार्य जी आए विशिष्टाद्वैत वाले पुष्टि मार्गी, फिर जितने भी आए, फिर गांधी जी ने अपनी दृष्टि से, शापेनहावर ने अपनी दृष्टि से, एनी बेसेंट ने अपनी तरह से, और महर्षि योगानंद जी और क्रिया योगी लोग, अब जो है आप देखेंगे जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी के जो शिष्य हैं, योगदा सोसाइटी जिन्होंने स्थापित कराई, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से, फिर क्रियानंद जी जो गुड़गांव में रहते थे, अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ, उन्होंने अपनी दृष्टि से गीता की जो है टीकाएं लिखी। तो गीता माँ ने जो है, जो योगानंद जी की शिष्या थी, उन्होंने 90s में आकर के जो है वो योगदा सोसाइटी में जो विचार थे योगानंद जी के, उनके हिसाब से, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी लिखा था, उसके इंटरप्रिटेशन से पूरी गीता को एक तरीके से मेटाफोरिक माना कि हर एक जो कौरव है, जो हर एक पांडव है, वो एक न एक जो मानसिक विचार है उसके प्रतीक हैं, और इस तरह से रूपों के माध्यम से गीता लिखी गई है। तो तरह तरह के जो है इंटरप्रिटेशन जो आए वो किसी न किसी रूप में अपने जो विचारों के बायस हैं उसको ही देखते हैं उसमें, क्योंकि उसकी उनकी उस तरीके की दृष्टि बन गई है इसलिए उनको उस रूप में दिखाई देती है।
तो ये तो रहा हमारा 12वां अध्याय। अब हम देखेंगे कि 12वें अध्याय में जहां हमको ला करके उन्होंने बैठाया था, तो 13वें अध्याय को उन्होंने प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जो अभी तक बातें चल रही थी, दो डायमेंशन चेतना और प्रकृति की, उनको प्रश्न ही अर्जुन पूछता है 13वें अध्याय का, प्रकृतिम पुरुषम च क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एवा एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम व्ययम च केशव। हे कृष्ण, सब बता तो गए आप, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, फिर से उसको क्लासिफाई करके, प्रकृतिम पुरुषम तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। तो 13वां अध्याय इन्हीं छह परिभाषाओं का अध्याय है, प्रकृति और पुरुष, उसको और क्लासिफाई करके बताया उन्होंने। ज्ञान की परिभाषा 7-8 श्लोकों में, 13वां अध्याय के 7वें से लेकर 13वां तक ज्ञान क्या होता है ये बताया, और फिर 13वें से लेकर 17वें तक ज्ञेय क्या है, तत्व क्या है। तो ज्ञान और ज्ञेय बताया, प्रकृति और पुरुष बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया, और फिर प्रकृति और पुरुष के माध्यम से कैसी पूरी सृष्टि बनी हुई है, ये जो है 13वें अध्याय में निरूपण करते हैं। 14वें अध्याय में उन्होंने कहा, देखो ये गुण जो है, अब प्रकृति प्रकृति गुणों से चलती है, तो वो गुण 17 स्तंभ 3 तरीके के होते हैं, तो गुणत्रय विभाग योग करते हुए कैसे उनके क्या लक्षण है, तो पूर्ण तरीके से प्रकृति निरूपण है। जो 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति में सतमयी रजमयी तममयी लोग किस किस तरह से व्यवहार करते हैं उसका निरूपण है। अब 14वें में जब बाह्य का प्रकृति का निरूपण कर दिया, तो 15वें में पुरुषोत्तम योग में उन्होंने चेतना कैसी होती है, अर्थात जो पुरुष है उसमें पुरुषोत्तम का निरूपण किया। तो 14वां अष्टधा प्रकृति में बाह्य है और 15वां आंतरिक है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो जो सममई अवस्था का निरूपण उन्होंने जिस भी अध्याय में जहां जहां किया है, उसको जब हम यहाँ पे मिलाएंगे भक्तों के गुणों के माध्यम से, तो उसी सममई अवस्था तक वो पहुंच चुका होगा। ज्ञान को जब देखेंगे, ज्ञान को जब परिभाषित करते हैं कृष्ण आचरण के द्वारा से, 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेके 12वां तक, तो पाएंगे कि वो जो ज्ञानी है वो यही भक्त है जो 12वें अध्याय में उन्होंने बताया है उसके लक्षण। 12वें में 13 से हमने शुरू किया लक्षण की, कैसा हो चुका होगा, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणोच्चा निर्ममो निरंकार सम दुःखसुख क्षमी संतुष्टा सत्यम योगी एतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिरो मद्भक्त समे प्रिय यस्मात् न उद्विस्ते लोको लोकात् न उद्विस्ते च हर्षा हर्षवे द्वगे मुक्तो यस च मे प्रिय। ये से लेके जो 20वें तक आए, अब 13वें के 7वें से जाइएगा, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति। ज्ञानी की जो परिभाषा देते हैं उसमें आप तुलना करिएगा, और इन भक्त की जो परिभाषा दी है वो एक ही है, जो बार बार देवऋषि जी कहते हैं कि घूम फिर के वहीं पहुंच गए, तो वो मतलब ऐसे नहीं कि हवा में हम लोग कह रहे हैं। जिसको इसका और अध्ययन करना हो गहन, वो 13वें अध्याय के 7वें से उठाए और 12 तक चला जाए, क्या क्या गुण मिलेंगे ज्ञानी के। अमानित्वम, उसमें मान नहीं है, अदम्भित्वम, दम्भ नहीं है, अहिंसक है, अहिंसा शांति क्षमा भाव से युक्त हो गया, आर्जवम ऋजु हो गया है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय अर्थों से वैराग्य आ गया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च अनहंकारमय हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इनको देख पाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से, आसक्ति अनभिषु अंगा पुत्रदार ग्रहादिशु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिसु, इष्ट और अनिष्टमयी जो भी उपपत्तियां हैं, अर्थात इच्छित हो या अनिच्छित हो उसके प्रति सममयी रहता है। तो यही सब तो है जो भक्त के लक्षण थे। तो चाहे ज्ञानी के लक्षण जो बता रहे हैं 13वें अध्याय में, और चाहे 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बता रहे हैं, दोनों एक ही हो गए। और जब गुणातीत अवस्था में पहुंचा देंगे, गुणों का वर्णन करके 14वें अध्याय में जब गुणों का वर्णन कर लिया, तो बताया गुणातीत अवस्था में जब तुम पहुंच जाओगे, इनसे परे पहुंच जाओगे, तो तुम्हें गुणातीत अवस्था में परम अवस्था मिल जाएगी। तो अर्जुन ने चतुराई से 14वें अध्याय में 21वें श्लोक में प्रश्न पूछ लिया, कैर लिंग त्रिन गुणा नेता नती तो भवति प्रभु किमाचार कथम चेतान त्रिन गुणा नति वर्ते। वो गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति के क्या लक्षण है, गुणातीत अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति कैसा हो जाता है,
तो वो भी जो 5-6 श्लोकों के माध्यम 14वें के 22 से लेके और 27वें तक जाएंगे तो गुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो भी यही लक्षण है। आप ध्यान से देखिए, तो आज के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक स्थित में पहुंचकर गीता का जो प्रमुख प्रतिपाद्य है वो आपके अंतःकरण में जो तमाम सारी मेंटल फैकल्टीज हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपकी सोच, आपके कर्म, आपके गुण, वो सब कहाँ पहुंच जाएं, आप जहां से भी चलें, कर्म कैसे हो, गुण गुणातीत अवस्था में पहुंच जाएं, ज्ञान मुझे अर्पित हो, बुद्धि मुझ में निवेशित हो, मन मुझ में आधृत हो करके व्यवहार करे, अब वो मैं क्या है, मैं का आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, परसेप्शन। तो गीता की स्थापनाओं की जो अंतिम अवस्था है वो सब एक जैसी है, हर जगह पहुंचकर एक जैसी हो जाती है। तो आज के जो कथन है, विचार है, उनका जो मेरा उद्देश्य ये था कि 12वें विश्वरूप दर्शन के उपरांत कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि अपने अंतःकरण में, अपने आचरण में, अपने गुणों में, अपने विचारों में, उनमें परिवर्तन करके संदृष्टिमयी होकर के व्यवहार करो जीवन में, वही ईश्वर की प्राप्ति है। यही आज का प्रतिपाद्य है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आप जिस वक्त बोलते हैं तो लगता है सारे श्लोक आपको बिल्कुल कंठस्थ है एकदम, मतलब मुझे लगता है इनकम टैक्स के सेक्शन भी कंठस्थ है और ये मेरे ख्याल से गीता भी कंठस्थ है, दोनों चीजों का बड़ा सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं आप, तो एसएससी के साथ बड़ा न्याय करते हैं बिल्कुल, जब गीता आपके अंदर है। सर हो सकता है कि इनकम टैक्स के सेक्शन इतने कंठस्थ ना हो जितनी गीता कंठस्थ है। नहीं साहब, ये नहीं मैं मान सकता, मैं मानता हूँ कि सही पार है तो पत्थर में पार है, जिस व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा होती है तो उसकी हर चीज प्रतिभा होगी ना, आपने खुद ही बताया कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करना, यानी भक्ति का भी आपने बताया ना कि भक्ति वही है जो पूर्ण रूप से समर्पण भाव से किया जाए ना, क्यों एक्यूरेसी लाई जी जाए, अगर किसी को मोचिव का काम मिले या जहाज बनाने का काम मिले दोनों के अंदर समानता है तभी तो वो पूर्णता है ना। हाँ जी तो मैं तो ये देखता हूँ कि आप जिस हिसाब से बोलते हैं तो एकदम, कभी कभी तो हमको ईर्ष्या होती है कि हमें क्यों नहीं सेक्शन, हम तो पढ़ नहीं पाते, आप बोल अरे देते। एक चीज बताइए, एक आपने जी शुरू में कहा कि तुलसीदास जी ने स्त्री के रूप में भी भगवान की प्राप्ति हेतु कहा है, जी जो मैंने पढ़ा था सर, ये हाई स्कूल में था या 12th में था, दुल्हिने गाओ मंगलाचार हमारे घर आयो राजा राम भरतार, फिर आगे श्रृंगार की बातें लिखी, ऐसे श्रृंगार करो ऐसे करो, जी उसमें वो था कि जिस वक्त हमको मृत्यु के समय भी प्रसन्न रहना चाहिए और आत्मा जो है परमात्मा से मिलने जानी, परमात्मा हमारा वो है जो हमारा दूल्हा है और आत्मा दुल्हन के रूप में उस परमात्मा से मिलने जा रही, उसमें समाहित होने जा रही है, वहां ये विचार था। स्त्री रूप धर के ईश्वर की प्राप्ति वाली बात मेरे को लग रहा था कि वो वहां थोड़ी सी मेरे को वो थोड़ा सा सर देखिए। एक्चुअली कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी हैं और जो सूफी हैं वो प्रेम मार्गी हैं। तो कबीर में जो है वो भक्ति के कई स्वरूप दिखते हैं। उनमें जो है वो नाथ पंथ की जो भक्तियां थी, सूफियों का प्रभाव था, सगुण रूप में जो ईश्वर की उपासना होती थी, जो ज्ञानियों का था, सबका उसमें जो है समुद्र मिलता है कबीर जी में। तो कबीर दास जी जो है कभी स्त्री बन करके, मतलब अपने, आप जो कह रहे हैं रूपक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कबीर दास जी जो है जब उपासना करते हैं अपने परम की, तो इस माध्यम, इस तरीके से भी वो अपने व्यक्त करते हैं कि वो उनकी आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलने जा रही है, या यूं कह दें कि वो निर्गुण रूप में जब करेंगे तो वो जो है इन सबकी आलोचना करेंगे कि आप लोग जो है कोई पत्थर पूजता है और कोई मुल्ला जो है उसमें मस्जिद में चढ़ करके नमाज पढ़ता है, इस तरीके से थोड़े ईश्वर मिलेंगे। तो बहुत सारे स्वरूप मिलते हैं भक्ति के उनमें। और जो ये वाली बात जो मैंने कहा तो वो सूफियों के लिए ज्यादा लागू होती है कि जो सूफी ग्रंथ हैं उनमें साधक की और अपने साध्य को प्राप्त करने के बीच में जो तमाम सारे कठिनाइयों के लेबिल हैं उनका वर्णन मिलता है। तो रत्नसेन एक रूपक है मन का, और जो पद्मिनी है वो आत्मा का रूपक है। तो
उसको जब प्राप्त करना चाहता है रत्नसेन पद्मावत के माध्यम से जो मलिक मोहम्मद जायसी में आता है, तो तमाम सारी कठिनाइयों को और बाधाओं को पार करते हुए वो वहां तक पहुंचता है। तो साधना के पथ में भी बहुत सारे ऐसी कठिनाइयां मिलती हैं। तो कबीर के जो रूपक हैं उसमें तमाम सारी जो आंतरिक साधना पद्धतियां हैं उनमें आने वाली उपस्थित होने वाली तमाम बाधाओं को रूपक के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। उलट बांसियां कई बार समझ में ही नहीं आती हैं, तो जो उस पद्धति से जुड़ा हुआ आदमी है वो उसको समझ जाता है कि ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा कोई और क्वेश्चन बना था आपने? नहीं, वो कंफ्यूजन था उस पर। जैसे वो तुलसी सर ने उसे बोला था, तुलसी ने कहा ये अब हो गया क्लियर कि कबीर जी का है ये। जी तो जी जी कबीर उस का है। वक्त उन्होंने जिस वक्त बोधन कर रहे थे तब तुलसी का नाम लिया था। वही जी अभी सामने आ गया, रामदेव मोरे पाहु आए, मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर बेदी, रामदेव संग भावरी लेहि, धन्य भाग हमारी। मतलब मृत्यु के बाद हम लोग को ये बताया गया था कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो उस सब भी आनंद का ही रहना चाहिए, वहां पर कोई शोक नहीं होना चाहिए। उसको जी भी एक जी उस तरह लेना चाहिए जैसे विवाह का होता है। ये हो सकता है उसे हाई स्कूल के स्टैंडर्ड से समझाया गया, अब हम लोग का जी स्टैंडर्ड दूसरा हो गया। जी पर जी नेहरू साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आनंद होना चाहिए, उसका वक्त का कैसे अंदाजा लगेगा कि वक्त उस किस वक्त को आनंद लेना है? वो तो ऐसा क्षणिक होता है वो, क्यों नहीं पता ही चलेगा कब मौत आ गई, हम सोचते मैं रहेंगे। बताऊंगा या भदारी हर साहब वक्त आप बताएंगे? अगर हर वक्त आप ब्रह्ममय अवस्था में हैं तो जब आए या ना आए उससे क्या फर्क बस बस पड़ता बस वही है ना। हाँ है। ये तो भदौरिया साहब ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द सच थिंग्स। अपने सारे चीजों को निपटाते हुए चलो, अपने आप को हर चीज से अलग करते चलो, निर्विकार भाव चीजों से देखो। जिंदगी में जब तक सांस है तब तक ना समस्याएं समाप्त होनी है, ना काम समाप्त होने हैं, ना जिम्मेदारियां समाप्त होनी है। तो आखिरी सांस हो जाएगी, सब अपने आप समाप्त हो जाएगा, वो दूसरे लोग संभाल लेंगे। और जब तक आप जिंदा, सब आपको ला के करना, गेहूं भी आपको लेके आना, आटा भी आपको पिसवाना, घी तेल भी आपको लेके आना। फिर जब आप निकल लेंगे तो फिर कुछ नहीं करना, दूसरे लोग आ जाएंगे, दिल टेक ओवर। इसलिए आप अपनी तरह से तैयार रहो, हमेशा प्रसन्न रहते हो। भैया अभी आ रहे हो, अभी आगे ले जाओ, मैं तो रेडी, अभी आओ आओ यार, ले जाओ, बहुत हो गया। मैं उस भावना की बात कर रहा था। पर हमको तो सत्यनारायण की कथा बताई गई है ना कि पहले ये होगा फिर उसके बाद ये होगा फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट होगा। फिर वही बताया ना उन्होंने, कबीरदास जी ने तरह तरह से देखा है, अलग अलग रूप में देखा है, हम अपने रूप में देख रहे हैं। प्रिपेयर्ड चलिए एनी अदन टाइम। अदन मित्र सब, एक चीज आई है, जैसे एक्ट को भी पढ़ने के लिए, लॉ को पढ़ने के लिए बड़ी नॉलेज वो होता है, तो के जो शब्द आते हैं ना, जैसे हम लोग आप शैक्षिक पढ़ते हैं तो जैसे परा अपरा क्षेत्र क्षेत्र के, तो ये कई शब्द ऐसे होते हैं कि हमें इसको जानने के लिए कहीं ना कहीं बड़ा उसको समझने के लिए बड़ा समझना पड़ेगा उसके अंदर तक, क्यों मतलब क्या परा क्या परा, क्योंकि ये जो गीता की एक खासियत यह है कि गीता में हर एक शब्द को जो डेफिनेटिव वर्ड है उसको डिफाइन भी किया गया है, क्षेत्र को भी डिफाइन किया है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते, अय कौन्ते इस शरीर को ही तुम क्षेत्र के रूप में समझो, अभिधीयते मतलब अभिधुआ हुआ समझो, अर्थात कृष्ण जब क्षेत्र कहेंगे तो उसका मतलब है शरीर, शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब जो इसको जानने वाला हो। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधेयते एतदियो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इत्तद्विदः, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ समझो, तो डिफाइन कर दिया उन्होंने, शरीर ही दोनों क्षेत्र है क्षेत्र और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो से, इसी तरह तो से क्षेत्र हम से मतलब लोग क्या हुआ? तो जैसे क्षेत्र जो खेत, क्षेत्र का मतलब खेत, शरीर एक खेत है, इसमें कुछ भी आप उगा सकते हैं, जैसा बोएंगे वैसा उगेगा, जैसा करेंगे वैसा प्रतिफल निकलेगा, जैसा सोचेंगे वैसी चीजें उगेंगी, जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, ये है कहने का जैसे मतलब। पुराने टाइम में जैसे शादी ब्याह होते थे तो जब बारात आती तो वो खेत पर रुक जाती थी, बाहर रुक जाती थी, तो कुछ इस तरह का होता ना, खेत खेत पर रुका करते थे क्या? वो नहीं, वो वाला खेत है, कौन सा खेत मिला ये, कौन क्षेत्र सा मतलब शरीर से ही है, उनका सही कहने का है, मतलब कि आपकी शरीर समझ के में आ भी रहा है। फिर अच्छा अच्छा जी, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अच्छा अभिधीयते एतदियो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इत्तद्विदः। ठीक अरविंद जी, वो भी है ना, खेत रहे का मतलब निपट अच्छा गया। वैसे ये चीज क्या, आप अगर बड़े हल्केपन से उससे किसी चीज को समझने का प्रयास करो तो
ग्राही होता है, जब कभी हम ज्यादा वो लगाते हैं ना, तो वो भी हाँ मतलब तो बड़ा क्लिश सा लगता है, क्योंकि आनंद में लेके किसी चीज को समझे ना, जैसे हाँ अगर हम जैसा भी नेपसॉफ कहते हैं ना, अगर हम न्यूट्रल वाली गियर में पड़े तो जब मर्जी जो मर्जी गियर लगा लो, पर अगर हम ऑलरेडी गियर में पड़े होंगे तो सीखने के लिए जो शिष्यत्व भाव जब तक हमारे अंदर नहीं होगा ना, लेने वाला, तो सर जल्दी सीख जाएंगे। हाँ अब जैसे उन्होंने कहा, यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येव तिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्ति इत्युच्यते तदा। मतलब योग की परिभाषा दे दी, मतलब हर चीज को परिभाषित किया हुआ है। आप ध्यान से देखें, ज्ञानी को नहीं, परिभाषित किया, कर्म को परिभाषित किया, भक्त को परिभाषित किया 12वें अध्याय में। तो ध्यान से पढ़ते वक्त तो आ जाते हैं कंसेप्ट। और बल्कि सबसे मैं ये सोच बढ़िया रहा था कि आपने जब ये प्रश्न उठाया तो कौन सा शब्द कहाँ कहाँ आया है और क्या मीन करता है, हम लोग धर्म, योग, भक्ति, ज्ञानी इस तरह से भी उठा के चल सकते हैं। एक डिस्कोर्स भक्त पे केंद्रित हो जाए, ज्ञानी पे हो जाए, धर्म पे हो जाए, कि योग पे हो जाए, इस तरह से एक सोच पे हो जाए, तो इस तरह से भी है विचार किया नहीं, जा। कई जगह तो फिर आपने भी अपनी उसके अंदर उसको संस्कृत में इंग्लिश में कर दिया, कई जगह इंग्लिश से एकदम जल्दी गाड़ी हो जाता है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं बैकअप माइंड में होता है ना वो चीज हमें समझने के लिए। मैं तो यही कहता हूं कि अगर वास्तव में पढ़ना है तो जो तमाम जो मत और पंथ हैं उनकी जो व्याख्या है वो ना पढ़ के सिंपल सादा एनी बेसेंट या सर्वपल्ली राधा कृष्णन या महर्षि अरविंद की टीकाएं जो हैं, जो लिटरल पे ज्यादा फोकस करती हैं, लिटरल मीनिंग पढ़ लें तो हम और आप लोग ज्यादा अच्छी गहराई से समझ सकते हैं। जी, चलिए जी आदरणीय नाथ साहब, मेरे ख्याल से बहुत कुछ बहुत प्रश्न धन्यवाद बनता है, भैया लगता है आपका। आज देवीशा कुछ नहीं बोले, मेरे ख्याल लगता है सब चीज। नहीं, मैं क्या बोलूं, मेरे तो क्लियर, मतलब हर बार सोचता हूँ मैं सब क्लियर हो गया, लेकिन हर बार नई चीज लेकिन उससे नई चीज नहीं है, लेकिन उससे जो जो दृढ़ होता जाता है भाई, यहाँ जो है वो ठीक है, जो आपकी समझ है वो ठीक है। जैसे निर्गुण और सगुण की बहुत बार बात हुई है मेरे यहाँ, डॉक्टर कालरा साहब के वक्तव्य में भी बहुत बार पहले इसकी बात होती रही है, लेकिन आज जो जिस तरह समझाया, मेरा विचार वही था, एक ही है, पर आज आपने बिल्कुल प्रूफ भी कर दिया। मैं आपने तो बिल्कुल ही वो क्रेडिट डेबिट एक कर दिया, मतलब जो आपने बैलेंस शीट बना दी है, नहीं निर्गुण सगुण में कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली। और यही मेरा विश्वास था, यही भी तेरी मर्जी, तू जैसे तुम्हें पहुंच रहा जाने पहुंच जाए। और बिल्कुल जैसे मैंने साधक और साधिका बिल्कुल क्लियर दे दिया। अब ये बात समझ, जिसके अंदर घुस गई तो एक सेकंड उसको नुक्ता चाहिए पकड़ने के लिए, तो ऐसे अंदर घुस रहा है जैसे दूध में पानी मिल जाता है। मतलब इनका जो वक्तव्य ऐसा आता है, बिल्कुल मिश्रित ऐसा बन जाता है कि मुझे एक आनंद ही आता रहता है। और अवतार तुलसीदास की जी बात ने में इसका बड़ी अच्छी, मैंने 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 बहुत बार क्वेश्चन किया अवतार के बारे में, अवतार का क्या, तो आज आपने बताया एक्चुअली अवतार क्या भाई है, तो हरेक में है वो अंश तत्व, एक है सारे उसमें, तो कोई है, मैं भी वही हूँ, तो मैं अलग थोड़ा ही हूँ। आपने 50 बार उदाहरण दी है, सागर और बूंद अलग हो ही नहीं सकते, वो उसी कॉस्मिक एनर्जी का मैं एक अंश हूँ, कोई ऐसा है, एक गोला थोड़ा पड़ा है, वो भी एनर्जी है उसका। तो बात सारी घूंगवा के तत्व एक है, और जो आपने सबसे आप जब वक्तव्य दे रहे थे तो मैं पिछला आपका वक्तव्य याद कर रहा, भाई ये सब बोल रहे हैं बुद्धि योग भी तो यही कहता है, और अंत में आपने कंक्लूड भी वही कर दिया कि बुद्धि योग, व्यास योग, ध्यान योग, सब सब कुछ अंत में तो सब वही आ जाता है। तो बिल्कुल वही क्योंकि अंत में जो लक्षण आ जाते हैं, जो मैं हमेशा आपके वक्तव्य के बाद में यह पूछता हूँ, सब और जो आपके उसे पूछ लो भाई, गाड़ी कानपुर जाने में अभी कहाँ पहुंची है, देख लो भैया कानपुर तक, मतलब अंत तक वो अंत में वो लक्षण आ रहे हैं आपके पास, वो लक्षणों तक आप हाँ कहाँ पहुंचे हैं उसके जी, मुताबिक आपको पता है। अरविंद जी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। क्या बताएं बताएं क्या चीज। बात है अंत में एक शुद्धि है सारी, तो अब लक्षण देखिए कि मैं कहाँ तक पहुंचा, 100% आपका सारा चेहरा सामने नजर आता है,
डॉक्टर साहब बिल्कुल ये इतना स्पष्ट एक एक वाक्य है कि लक्षणों को देख लो और आपका चेहरा आपके अंतःकरण का चेहरा बहुत सुंदर जी। हाँ चलिए मैं सब आज ऋषि आपको मेरे ख्याल से नेट कुछ गड़बड़ कर रहा लगता है। चलिए तो आप प्रश्न की बात कर रहे थे तो सब प्रश्न भी है उत्तर भी है, इस पे कोई प्रश्न भी नहीं, सब उत्तर ही देते हैं। एक्चुअली डॉक्टर साहब तो सब उत्तर ही दे रहे हैं, प्रश्न करने का क्या सवाल ही नहीं। पर प्रश्न वही आता है जहां आपको कोई समझ ना आ रहा हो, तो जहां आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो। ये आप दिन ब दिन इतनी क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं कि जब तक डिनर लेंगे या लंच लेंगे पता नहीं कहाँ। बहुत ही क्लैरिफिकेशन, बहुत ही चौधरी आनंद। साहब की तबीयत ठीक नहीं है क्या? चौधरी साहब की तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रही हाँ है। लग रहा है जी। हाँ आजा मेरे आजा किसकी? चौधरी साहब। चौधरी साहब की। हाँ लगता है कुछ लगता है नहीं पता। वैसे वही सब आज बहुत नेहरू साहब आज इन्होंने एक डॉक्टर साहब एक चीज पूछना था डॉक्टर साहब से। प्रयाण जी जी सर काले, प्रयाण काले कैसे हम पता करें और कैसे उसको याद करें? वो हमको तो लगता है कि करुणामयी अवस्था में आदमी बना रहे, सबके प्रति प्रेम डॉक्टर भाव, परम प्रेम भाव भरा रहे, सबका कल्याण की भावना आपके अंदर अगर भरी हुई है तो वही ईश्वर से मिलन है। मुझे तो लगता है सबसे सरल शब्दों में, जब आप मैत्री और करुणा से और द्वेष्टा भाव से भर जाते हैं तो आप परम से मिल गए हैं, बस ये जान लीजिए सबसे बड़ी सर कसौटी है। एक बार और भी डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीक्वेंस बताई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब पहले द्वेष्टा भाव आएगा, ये सबके द्वेष्टा के दर्द बाद की बात मैत्री नहीं भाव है। हाँ आएगा और मैत्री के बाद करुणा भाव आएगा। अब द्वेष्टा भाव का मतलब यह कि आपके किसी से भी द्वेष भाव खत्म, मैत्री भाव मतलब दूसरे के प्रति प्रेम भाव जग गया, और करुणा भाव सबके प्रति प्रेम भाव जग गया। तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत बड़ी कसौटी है। जी ये बिल्कुल अपना अभ्यास से, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। सबसे पहले जी तो क्रोध को खत्म करना आपने, और फिर ये इसके बाद शुरू ये सीक्वेंस है। जब तक वो सीक्वेंस नहीं आती बोले आप तो बिल्कुल वही क्लियर है कि अपना आईना देखते रहिए, आपके लक्षणों तक आप कहाँ पहुंचे हैं। हाँ आपको प्रतिदिन आपका समीक्षा कर सकते हैं अपने की। जी बिल्कुल ये बहुत सिंपल एक मेथड आज कंक्लूड हुआ है कि आप समीक्षा अपने आप करिए, आपको कुछ नहीं और करने की जरूरत। डॉक्टर साहब ने आपको बिल्कुल सामने आईना दिखाए दिखा रहे हैं और हम देखते रहेंगे अपना, और आप देखिए पूरी जर्नी साफ कर देंगे। बहुत बहुत ये बौद्धों की पद्धति ही यही है। जो बुद्धिस्ट मार्गी हैं वो बेसिकली जब करुणा के मार्ग में आपको दीक्षित करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। तो अलग अलग अपने जो पद्धतियां रही हैं वो यही सब हैं, कोई नई बात नहीं है। जो भी धर्म होते थे भारत देश में, जो भी मत होते थे, पंथ होते थे, वो ऐसी ही एक चीज पकड़ के उधर ही दीक्षित करते चले जाते थे, और लेकिन वो फिर वो आदमी देखिए बन लेकिन वो मत जाता तो हमेशा रहे नहीं ना, मत तो है। बदलते रहते हैं ना। जी मत तो देखिए कई मत आए कई बदल गए उसमें। अब जैसे आप अगर देखिए तो ये सिख सिख मत है, इन्होंने अन्याय भी, अन्याय को भी कभी स्वीकार नहीं किया, अन्याय के साथ लड़े हैं। लेकिन वो भक्ति भाव भी उसमें उन्होंने फाइनली 10वें गुरु में भक्ति भाव भी फाइनली बता दिया उनको। तो मत तो आते जाते हैं, लेकिन बात तो सारी यह भी सारे लक्षण हैं, जो लक्षणों की अब तो आपका आप फाइनली ये गीता का ये हो गया, लक्षणों को देखिए बस। जी वो ही आपके सफर का आपको बता दे भी, कानपुर का कौन सा स्टेशन आ गया, आपका स्टेशन से पहले कहाँ पहुंचे हो आप। बस बस बहुत बहुत धन्यवाद स्टेशन हरिहर। चलिए आदरणीय साहब। कब? नहीं मैं एक मिनट चौधरी साहब से बात करना चाह रहा था कि ही इज नॉट वेल, और वी अभी थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं। हाँ मैं आई जस्ट सर आपकी लग प्रॉब्लम क्या, आर यू ऑल राइट? क्या नहीं, हो गया सर? थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बॉडी जी पेन और ये सब बुखार उखार सब था, तो जी इसीलिए कह रहा है कि प्रयाण काल कब आएगा ये तो हमें पता वही चले। मैंने प्रयाण सुना, क्वेश्चन कुछ था, आंसर कुछ और था, और आप उसी काल वक्त का आपकी किसी को आंखों में पता आंसू भी नहीं है, मैंने ना जन्म देखे, का। चौधरी इसलिए मैं साहब ना थोड़ा जन्म घूम गया। मैंने कहा का पहले पूछ पता। लूँ सर, आप
चौधरी साहब ने जन्म का पता है ना, प्राण काल का पता है, तो इस पे आप चिंता नहीं करनी है ना, आनंद में रहे बस, आनंद में अवस्था में चले जाइए, इससे ऊपर क्या हो सकता है। बिल्कुल, ना कल का पता था ना कल कल जो वो बीत गया हो सर तो वही था, और कल का पता नहीं है, और सर जन्म का पता नहीं था, प्राण काल का पता नहीं है, तो आनंद रहिए, आनंद में कल रहिए, और ये ऐसी अवस्था आप में ठीक हो बहुत। जाएंगे, ये वायरल है, और उसके बाद फिर आप ऐसे हाँ, सुनेंगे हम लोग से, इंटरेक्शन करेंगे, इस तरफ उस तरफ मत जाइए आप जिस तरफ जा रहे वो हैं। नहीं नहीं सर, जब भी बीमार डिप्रेशन आदमी होता है यही सोचता है, में मैं भी जब नहीं, बीमार हुआ था डिप्रेशन मैं की यही बात सोचता बता था रहे हैं सर। कि आप क्या हालत है, ये जीना क्या है। हाँ, मेरा डिप्रेशन नहीं होता है वो तो। नहीं नहीं हाँ डिप्रेशन नहीं है, मुझे बट इस तरह सोचिए भी नहीं। अभी 2-3 दिन का आजकल वायरल चल रहा है सर, इसी तरह चल रहा है, बहुत वीकनेस आ रही है। गीता में ही है ना कि प्रयाण काले, है ना कि प्रयाण काले में अगर हम जहां ध्यान देंगे वहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, प्रयाण काले मनसा चले न भक्ता युक्तो योग बलेन चय भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपायति दिव्यम, ऐसी बात उन्होंने कही थी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपका दायित्व तो आपके अस्तित्व के प्रति भी है, परम ने आपको अगर बनाया है तो वो चाहता है कि आप अंतिम समय तक अपनी अंतिम शक्तियों तक पूरे ऊर्जा और आनंद के साथ जिए और आनंद लें, जुड़े रहें इस प्रकृति में, सर परिवेश में, बच्चों से, परिवार से, मित्रों से, और आनंदित रहें। उसको क्षीण करना और उसको रिजाइन टेंडेंसी से लेना ये कर्ता का उद्देश्य नहीं है। तो आपको चाहता है प्रसन्न देखना, शक्तिमय देखना, आनंदित देखना, ऊर्जस्वी देखना, तो ऊर्जा का संचार हो, ऐसे कल्याण भाव के साथ आप जिए और अपने आप को ठीक करें और आनंदित हो, ऐसी भावना है हाँ कर्ता। जरूर जरूर अनंत ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा लीजिए, ऊर्जा लीजिए, ऊर्जा जी दीजिए। जी जरूर गेट वेल जरूर, सून सर, गेट वेल सून, ठीक हो जाएंगे। चलिए बहुत नेक्स्ट। बहुत धन्यवाद सर आपका आदरणीय भदौरिया साहब, आज आपने गीता के 12वें अध्याय के बारे में जो पुनः एक बार एक तरीके से कहिए रिव्यू किया सर। अगर मैं सर जब मेरी दृष्टि में देखा जाए तो 12वां अध्याय सर सबसे क्लिष्ट है, और इसे समझना भी सबसे, क्योंकि भक्ति योग ऐसा है जो जब तक आदमी ब्रह्म को में लीन नहीं कर लेगा अपने आप को, तो वो नहीं समझ सकता कि भक्ति क्या है। बार बार उचाट होगा, बार बार कहेगा अरे इसकी भक्ति करूं, अरे इसकी भक्ति करूं, अरे इसको करूं, क्या है, क्या मिल गया, क्या नहीं हो, पर सो मेनी कंफ्यूजन, सो मेनी डिस्ट्रेक्शन, आदमी इतना ज्यादा इधर उधर चला जाता है। और आपने जो जिस तरीके से समझाया, और मेरे को भी ये लगता है कि जब तक भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप 11वें अध्याय में पूरी तरह दिखा नहीं दिया, तब तक अर्जुन भी कन्विंस नहीं हुए ईश्वर की सत्ता के प्रति। और जब उनको कन्विंस कर दिया तब कहते अब आओ तुम, अब तुम मानने लगे हो ना, विराट स्वरूप देख लिया, ईश्वर होता है, ईश्वर के द्वारा ही सब हो रहा है, जो तुम कर रहे हो कुछ नहीं है। तब आके उन्होंने भक्ति योग 12वें अध्याय में समझाया। और बिल्कुल इसको जितनी बार पढ़ेंगे सर, मैं तो आपकी आज बात सुन रही, और मैं सोचता हूँ अगर मैं 10 दिन बाद इसी अध्याय को आप दोबारा बताएंगे तो शायद मेरा उसका डिफरेंट उसके मीनिंग्स निकलेंगे। ये इतना मतलब फिलोसफिकल है, ये इसमें फिलोसफी बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से सर जो मेरा अपना अल्प ज्ञान है गीता के बारे में, शायद सबसे क्लिष्ट अध्याय यही है। इसको आपने इतनी सुगमता से, इतने सुंदर तरीके से सर आज, बल्कि जैसे अरविंद साहब कह भी रहे थे कि आप जब गाना शुरू कर देते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ आपसे सर कि जिस आप श्लोक पढ़ते बिल्कुल हैं तो लगता ही नहीं है कि आप संस्कृत की बात कर रहे हैं, और किस संस्कृत में बोल रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो इट वॉज ए वंडरफुल सेशन, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इधर कबीर के बारे में उनसे भी कुछ उदाहरण लेके और दूसरी तरीकों से भी चीजों को एक्सप्लेन करने का पूरा सफल प्रयास किया। आपके इस सफल प्रयास आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके बहुत ऋणी रहेंगे, हम लोग फिर एक बार इस अध्याय को पढ़ के फिर समझेंगे। आपका धन्यवाद सर, धन्यवाद आदरणीय बहुत अध्यक्ष साहब, बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र साहब, अपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आजकल सर बहुत छोटा सा है पर इसमें 2 शब्द हैं, शब्दों पर गौर कीजिएगा, एक शब्द है दौलत और एक है बाकी, एक शब्द है दौलत और एक है बाकी। आपको हर वक्त पता होता है, आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, बिल्कुल आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है।
चौधरी साहब का जवाब भी दे दिया आपने। चलिए आप बात हंसे, चौधरी साहब बड़ा अच्छा लग रहा है अब। नाउ यू आर लुकिंग वेरी नाइस, ऐसे ही रहिए। ये स्पेशल जो है उसी चीज में बताया गया था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी सामने कर दिया आपने। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शांतिरेव शांतिः सा।